कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि बाइनेंस जैसी जितनी भी फॉरेन एक्सचेंजेस थी उनके ऊपर बैन लगाया गया था। जितनी भी फॉरेन एक्सचेंजेस थी उनको FIU को कंप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका था। बहुत सी एक्सचेंजेस ने शुरू कर दिया था ये प्रोसेस, यानी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर दी थी, जैसे कि बाइनेंस ने भी रजिस्ट्रेशन करी, लेकिन उसके बाद अभी इनके ऊपर फाइन लगा हुआ है। और ये फाइन इतना बड़ा लग चुका है जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लगा है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप बाइनेंस यूज़र हो या फिर आपने बाइनेंस के ऊपर अपने एसेट्स रखे हो, तो क्या बाइनेंस बैन होगा, बिल्कुल बंद हो जाएगा? क्या ये पेनल्टी कभी पे करेगा या नहीं करेगा? इंडिया में कभी चलेगा या नहीं चलेगा? कुछ ऐसे सवाल आपके हो सकते हैं जो हम पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो वॉल्फ ट्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे हम हर एक अपडेट सबसे पहले डालते हैं। जैसे कि ऑलरेडी आज आपको मैंने अपडेट दी थी कि ZRO जो कि विद सी टैग लिस्ट किया गया था, अभी चाहे बाइनेंस के ऊपर पेनल्टीज लगी हैं जो भी चल रहा है, लेकिन बाइनेंस इंडिया को इतना बड़ा नहीं मानता है, यानी कि इंडिया को इतना बड़ा प्लेयर नहीं मानता, क्योंकि हमेशा इंडियन गवर्नमेंट ने क्रिप्टो एक्सचेंजेस को या फिर क्रिप्टो करेंसीज को दबाने की कोशिश करी है। और ये बहुत पुरानी चीज़ है बाइनेंस के लिए, क्योंकि बाइनेंस ने पहले भी चाइना को छोड़ा था, चाइना को छोड़ के अपनी अलग से जगह ढूंढी जहाँ पे और भी ज़्यादा फ्रेंडली इनको पॉलिसीज मिली हैं। और फ्रेंडली पॉलिसीज की वजह से ही आज भी आप देख पा रहे होंगे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है बाइनेंस के ऊपर। अगर आप BNB के ऊपर देखोगे तो BNB का भी प्राइस कोई बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिर गया है, लगभग अभी भी $650 के आसपास चल रहा है, जो कि जनरली $600 के आसपास था जब BTC थोड़ा बुलिश था। इसी के साथ साथ क्या कि बाइनेंस ने यहाँ पर लिस्टिंग भी करी है जो कि बहुत अच्छे कॉइन्स परफॉर्म किए हैं, जो कि ZRO था, Layer 0 का ZRO के नाम से। इसका जो प्राइस है लगभग ऑलमोस्ट $4.50 से ऊपर गया था और अभी भी $4.50-$3 के आसपास चल रहा है। इसी के साथ साथ लिस्टिंग आज के दिन हुई है लिस्टा की, लिस्टा डाओ का कॉइन जो है, जिसकी लगभग 75% सप्लाई बाइनेंस के ऊपर ही है, तो ये कॉइन भी बहुत अच्छा चला, लगभग $0.80 के आसपास गया था, यानी कि 80 सेंट तक गया था, और अभी भी इसकी वैल्यू अच्छी चल रही है। ओवरऑल मेरा कहना यह है कि अगर आज भी कोई कॉइन लिस्ट होता है बाइनेंस के ऊपर तो उसके ऊपर वैल्यू अच्छी जाती है, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलते हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने ZK देखा था, इसी के साथ साथ हमने IO कॉइन देखा था जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर गई थी, जो कि लगभग $6-$7 तक गई थी। तो सिंपली आप देख सकते हैं बाइनेंस मार्केट में तो स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, BNB भी मार्केट में स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर इंडिया में क्या हुआ है वो अभी हम डिटेल में बात करेंगे। तो बाइनेंस के ऊपर फाइन लगा लगभग $2.2 million का, जो कि इंडियन फाइनेंशियल यूनिट के द्वारा लगाया गया है। अगर हम इसको रुपीज में कन्वर्ट करके देखते हैं तो टोटल पेनल्टी बनती है ₹18,82,00,000 रुपये। और मेन जो रीजंस हैं कि इनके ऊपर इतनी बड़ी पेनल्टी क्यों लगी है वो ये कि प्रिंसिपल ऑफिसर डिटेल्स इन्होंने प्रोवाइड नहीं करी है FIU को। इसी के साथ साथ कोई भी मैकेनिज्म इन्होंने नहीं लगाया जिससे क्या कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट किया जाए। तो यहाँ पे ना तो डिटेक्ट हुई हैं ट्रांजैक्शंस और ना ही इन्होंने ऐसी ट्रांजैक्शंस इन्फॉर्म करी हैं FIU को। तो FIU की बात करें या फिर अगर हम इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो उनका हमेशा कंसर्न यही रहता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं इंडिया में क्रिप्टो की, चाहे वो WZRX के ऊपर हो रही हैं, किसी भी इंडियन एक्सचेंज के ऊपर हो रही हैं, चाहे वो बाइनेंस के ऊपर हो रही हैं, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट होनी चाहिए या फिर उनकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। अगर आपको शायद याद होगा तो पहले भी ऐसा ही था, WZRX से बाइनेंस पर अमाउंट सेंड करना बहुत ही आसान था, आप एक क्लिक से ऑफ चेन WZRX से बाइनेंस और बाइनेंस से WZRX तक ईजिली सेंड कर सकते थे, और बाइनेंस से काफ़ी सारा पैसा, यानी कि WZRX से बाइनेंस और बाइनेंस से चाइना में पैसा बहुत ज़्यादा गया था इंडिया का, जिसको टेरर फंडिंग का भी नाम दिया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग का भी नाम दिया गया था, कि इस तरीके से बहुत ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है इंडिया से, जिस वजह से इन्होंने एक समय पर क्या किया कि बाइनेंस और WZRX दोनों अलग हो गए। हालांकि जो WZRX का WRX है उसकी पूरी सप्लाई जो बाइनेंस के पास ही पड़ी है, तो यहाँ पे जो ऑफ चेन ट्रांजेक्शन थी वो भी बंद कर दी गई थी और इनके ऊपर चार्जेस लगाना शुरू कर दिए गए थे। तो अभी वैसा रिलेशन नहीं रहा है बाइनेंस का और WZRX का, ये आप पहले ही जानते हैं। और WZRX का भी तब से ना तो प्राइस बढ़ा है और ना ही इनके बर्न्स हुए हैं। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो WRX का दिखा रहा है कि लगभग 60 मिलियन WRX अभी लॉक्ड हैं, बाकी 940 मिलियन WRX अनलॉक्ड हैं। लेकिन एक्चुअल WZRX का कहना ये है कि पूरा का पूरा जो अमाउंट है उसके ऊपर कंट्रोल सिर्फ बाइनेंस का ही है। तो अभी मेन मुद्दे के ऊपर वापस आते हैं, तो एक्चुअल में क्या है कि क्यूकॉइन जैसे एक्सचेंजेस या फिर बाइनेंस जैसे एक्सचेंजेस, जितनी भी ऑफशोर क्रिप्टो रिलेटेड एंटिटीज हैं, इनके ऊपर FIU ने एक बैन लगाने के बाद मई महीने के अंदर अप्रूव किया था क्यूकॉइन को, और बाइनेंस इसमें सबसे पहला था, यानी कि बाइनेंस को सबसे पहले अप्रूवल मिला था। और इसके ऊपर एक कंडीशनल पेनल्टी भी लगने वाली थी, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे समय से FIU की कंडीशंस को या फिर इनकी पॉलिसीज को फॉलो नहीं किया था, जिसकी वजह से अभी सामने आया कि $2.2 million का इनके ऊपर फाइन लगा है। तो एक्चुअल में ये मई महीने के अंदर लगा था, तो बाइनेंस को अप्रूव तो किया गया, लेकिन इनके ऊपर कंडीशन ये लगाई गई कि अगर आप पेनल्टी पे करते हैं
पे करने के बाद ही आप इंडिया में सही तरीके से ऑपरेट कर पाओगे। लेकिन ये जो लेटेस्ट अपडेट आई है ये आज के दिन ही आई है, यानी कि पिछले दिन ही आई है कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के रूल्स को अगर वो फॉलो करेंगे तो तभी ये काम कर पाएंगे। तो इनको एक बहुत ही बड़ा शो कॉज नोटिस भेजा गया, इनको ये नोटिस मिला जो आप सामने देख सकते हैं, जिसका ओरिजिनल नंबर भी सामने दिया गया और यहाँ पर डेटेड बताया 19/6/2024। कुछ और डायरेक्शंस भी दी गई हैं बाइनेंस को ताकि अगर वो कंप्लाई करेंगे तभी ये पीएमएलए को कंप्लाई करते हुए ये काम कर पाएंगे इंडिया में, जो कि मेनली होगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और इसी के साथ साथ क्या है दूसरी चीज़ बैटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म, यानी कि ताकि टेररिज्म को फंडिंग ना जाए। और ये चीज़ आप देख रहे होंगे कि सडनली कैसा क्यों है, क्योंकि पिछले दिनों के अंदर भी हमने देखा है कि इंडिया में 4-5 अटैक्स हुए थे, तो उन चीज़ों को भी इसमें कंसिडर किया जाता है कि क्या पैसा यहाँ पे टेररिज्म को इस क्रिप्टो के द्वारा तो नहीं फंड किया जा रहा, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। हालांकि सच्चाई है कि फंडिंग करने के लिए ज़रूरी नहीं क्रिप्टो, कुछ भी हो सकता है फंड करने के लिए, जो कि पॉसिबल हो ही सकती है, चाहे क्रिप्टो ना भी होता तब भी टेररिज्म को फंडिंग हो जानी थी। लेकिन अब इससे हमारे ऊपर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है, अगर ये प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमारा TDS भी कटेगा। TDS तो कटेगा ही कटेगा, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि हमारी ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट जाएगी गवर्नमेंट को। हालांकि हम प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा जितना टैक्सेस बनते हैं वो टैक्सेस भी हमें पे करने पड़ेंगे। लेकिन जब TDS कटेगा तो डेफिनेटली कोई भी इसके ऊपर बाइनेंस के ऊपर भी ट्रेड नहीं करना चाहेगा। तो यहाँ पे बाइनेंस ने एक स्टेटमेंट भी दी है कि इनको पता है कि FIU के ऑर्डर क्या हैं और ये ऑलरेडी रिव्यू कर रहे हैं कि स्टेप्स को किस तरीके से फॉलो किया जाए। तो इन्होंने बोला है कि ये अपना बेस्ट करेंगे कि अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें इंडियन क्रिप्टो कम्युनिटी को ताकि अपनी सारी सर्विसेज दे पाएँ। और ये भी इन्होंने क्लियरली बोला है कि ये इंडियन मार्केट को री एंटर कर चुके हैं और बेस्ट सर्विसेज देंगे, यहाँ पे पूरी ट्रांसपेरेंसी रखने वाले हैं और पूरी कॉपरेशन भी करेंगे कंप्लायंस विद रेगुलेटरी अथॉरिटीज़। तो बाइनेंस की तरफ से तो पूरी हाँ है कि ये सब कुछ फॉलो करने वाले हैं, एंड $2.2 मिलियन अगर ये फाइन पे करते भी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो हमारे ऊपर पड़ेगा TDS का और टैक्सेस का, जो कि हम जिस वजह से हम क्यों बाइनेंस यूज़ कर रहे थे, जिस वजह से हमें क्यों WZERX कॉइन DCX कॉइन जितनी भी सारी इंडियन एक्सचेंजेस हैं वो क्यों छोड़नी पड़ी, क्यों हमें ऑफशोर एक्सचेंजेस के ऊपर डिपेंड होना पड़ा। तो आज के दिन आप देख पाओगे कि BNB सुपर स्ट्रांग उसी तरीके से खड़े हैं, लेकिन WRX अगर हम बात करें तो WRX वापस रिकवर नहीं हो पाया, एंड आई थिंक ये शायद पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई उम्मीद ही नहीं है कि अगर बाइनेंस इसके ऊपर कुछ भी नहीं बोलता है तो WRX भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन मार्केट में जो बाइनेंस है, बाइनेंस बहुत स्ट्रांगली खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आपको बताया कि ZRO लिस्टा ऐसे कॉइन्स लिस्ट भी हुए और अच्छा प्रॉफिट भी मिला। लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में, किसी और एक्सचेंज या प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर आएंगे उसके ऊपर। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल WarFit को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन हमेशा पहुँच रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।